So guys, आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ पानीपत। तो मैं रहता हूँ दिल्ली में। सो दिल्ली से पानीपत करीब करीब 3 से 3.5 घंटे का रास्ता है। सो वील बी ट्रैवलिंग टुगेदर। सो उस जगह पे जहाँ पानीपत पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे मैं मिलने वाला हूँ एक इंडिया के बहुत टॉप नॉच बॉडी बिल्डर। वो बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, लोग उन्हें जानते नहीं। और जैसे आपको पता है, मेरी सीरीज़, ये जो सीरीज़ है, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग यू मीट पीपल जिनको आप जानते नहीं और जो इंडिया का नाम इतना रोशन कर रहे हैं। उनकी बॉडी फिनोमिनल है, इंडिया के लिए बहुत मेडल्स लिए उन्होंने। एंड ट्रस्ट मी, आप जब उन्हें मिलोगे आपको रियलाइज़ होगा कि वो कितने सिंपल हैं। तो इससे पहले मैं जाऊँ तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि यार इतनी दूर जा रहा हूँ तो आई शुड गिव हिम समथिंग। तो ये बॉडी बिल्डर को सबसे बढ़िया गिफ्ट क्या होता है उनके लिए? मेरे ख्याल से हर बॉडी बिल्डर, जो भी आदमी फिटनेस इंडस्ट्री में होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट रहता है वे प्रोटीन। तो मैं उनको दूंगा एक वे प्रोटीन। कहाँ से लूँगा? जस्ट चेक इट आउट, लेट्स गो। सो गाइस, मैं आ गया हूँ बिग मसल के स्टोर में। तो गाइस, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में यहाँ पे एक वसंत कुंज में इनका एक स्टोर है जहाँ पे बिग मसल के सप्लीमेंट्स भी बेचते हैं और हर किस्म के सप्लीमेंट्स, इन्हों इंटरनेशनल, इंडियन सारे। तो अगर आप किसी, आपका दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं फिटनेस इंडस्ट्री में और आपका जो बजट है वो ज़्यादा नहीं है, उनको गिफ्ट देने के लिए हमेशा यू नो थिंक ऑफ गिविंग देम वे प्रोटीन। बिकॉज वे प्रोटीन बॉडी बिल्डर और जो लोग फिटनेस में होते हैं उनके पास हमेशा शॉर्टेज ही रहती है। सो बाकी सब छोड़ो, इसको इससे बढ़िया गिफ्ट एक फिटनेस इंडस्ट्री वाले के लिए हो ही नहीं सकता। बट वो कौन सा गिफ्ट है, कौन सा वे प्रोटीन है, लेट्स चेक इट आउट। कम सो गाइस, अब आ गए हम बिग मसल के स्टोर में। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सब चीज़ों में मैं कौन सा उनको वे प्रोटीन देने वाला हूँ। सो लेट्स, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन सा वे प्रोटीन है। भाई अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दो। मैं दीपक सर। तो दीपक हैं, ये बिग मसल में काम करते हैं। तो दीपक, कितने सालों से बिग मसल में? सर मैं हूँ 3 सालों से। 3 सालों से बिग मसल में है यहाँ पे। अगर आप वसंत कुंज में हैं और आपको चाहिए सप्लीमेंट तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। और बाय द वे, ये रहा मेरा बैग जो मैं उन्हें देने वाला हूँ। सो ये रहा बिग मसल का न्यूट्रिशन। आप सोच रहे हैं प्रमोशन वीडियो है, प्रमोशन नहीं है, जस्ट दैट बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे प्रोटीन है जो मैं उनको देने वाला हूँ। तो इसके अंदर मैं दे रहा हूँ उन्हें क्रूड वे। अब क्रूड वे इन्होंने फ्लेवर्ड लॉन्च कर दिया, पहले अनफ्लेवर्ड था बिकॉज लोग कह रहे थे कि अरे यार सर इसमें तो कोई फ्लेवर ही नहीं है, बट इसमें फ्लेवर है। 24 ग्राम्स वे प्रोटीन, 4 ग्राम्स ग्लूटामिन पर सर्विंग और 0 ग्राम शुगर। तो इसका टेस्ट भी होने वाला है। और 2 हैं इसमें, रिच चॉकलेट और कैफे लाते। और बाय द वे, बिकॉज इतना छोटा है, ऊपर कर लो, बिकॉज इतना छोटा है तो ये मैं अपने साथ भी लेके जा रहा हूँ बिकॉज रास्ते में, बिकॉज 3 घंटे का रास्ता है दिल्ली से पानीपत का। सो ये मैं अपने लिए भी पीऊँगा बिकॉज बहुत, जैसे कहते हैं ना, ईजी टू कैरी। और मेरा शेकर यहाँ पे, शेकर कहाँ गया, ये रहा। सो आई वाज शेकर टू। तो बस पानी में मिलाया और पिया, टेस्ट तो इनका अच्छा होता है। आई एम श्योर उनको ये गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इसकी पैकेजिंग भी देख सकते हो आप यार, बड़ी इंटरनेशनल पैकिंग कर दी है इन्होंने यार, चेक इट आउट, सुपर्ब, मज़ा आ गया देख के यार। सो गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड। अब हम चलते हैं अपने ट्रिप पे जहाँ पे मैं आपको मिलाने वाला हूँ इंडिया के टॉप नॉच बॉडी बिल्डर से, जिनको मैं गिफ्ट करने वाला हूँ और उनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। और हाँ, उन्होंने हमारे लिए लंच भी प्रिपेयर करा हुआ है। तो क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, लेट्स गो। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये प्रोटीन कितने का है। सो ये प्रोटीन आपको मिल जाएगा, इंडिया का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोटीन है, आपको मिल जाएगा 899 में। अगर आपको ख़रीदना है, आपके लिए मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो गो पिक इट अप। इनमें 2 एक्साइटिंग फ्लेवर्स, जैसे मैंने आपको कहा, कैफे लाटे और रिच चॉकलेट। मेरा फेवरेट है कैफे लाटे, डू ट्राई। मैंने अभी लॉन्च करा बिग मसल ने थोड़े दिन पहले, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ गेटिंग ग्रेट रिव्यूज़। और मुझे लगा इससे बेस्ट गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो चेक इट आउट।
बिकॉज हम हैं दिल्ली के हाईवे पे, दिल्ली टू पंजाब. और बाय द वे, मेरी छल्ली आ गई है यहाँ पे, एंड आई एम गोइंग टू ईट दैट स्वीट कॉर्न. लोड्स एंड लोड्स ऑफ कार्ब्स. दिखाई ये रही मेरी छल्ली, स्वीट कॉर्न, लोड्स ऑफ कार्ब्स. आई लव इट. तो गाइस, हमें वो मिल गए, हमें लेने आए हुए हैं वो सड़क पे. वो सामने आप देख सकते हैं येलो टी शर्ट में, ये रहा उनका. वो राइट में देखो, डैंग, मैं थोड़ा वरीड हूँ शायद गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी वहाँ पे, बट आई एम श्योर. ओके ओके, वी ऑन अ वे. हम शायद पहुँच गए हैं. उन्होंने अपनी बाइक पार्क कर दी है. ये रहा उनका घर. सो गाइस, हम हैं स्कूटी पे, हम फॉलो कर रहे हैं, और मैं आई वांट टू कैप्चर द रियल, आवाज़ आ रही है, आई वांट टू कैप्चर द रियल विलेज लाइफ. कितनी सिंपल लाइफ है यहाँ की, वो कैप्चर कर रहे हैं. सो दैट शुड बी फन. तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं पहुंच गया हूं पानीपत में. करीब 3 से 3.5 घंटे का रास्ता है दिल्ली से. हाईवे से गुजरते हुए आए हैं हम, और रास्ते में सब कुछ खाते हुए आपको सबको दिखा है. मैं जिनसे मिलने आया हूं, ये इन्होंने आज तक, इसे कहते हैं ना, ये एक छोटा सा गांव है पानीपत में, ये बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं, यहीं पर बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करते हैं. दिल्ली में अभी थोड़े दिन पहले शिफ्ट हुए हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादातर ये पानीपत में ही रहते हैं. लेकिन मुझे इनसे मिलना था, तो मैंने कहा मैं आपको पानीपत में मिलूँगा जहाँ आप रहते हो, बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि आप, जैसे कहते हैं ना, आप कैसे तैयारी करते हो, बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करते हो. तो लेट मी इंट्रोड्यूस हिम. ये इंडिया के टॉप नॉच बॉडी बिल्डर हैं. 2018 में ओवरऑल विनर थे. इनका ऑफ सीजन वेट रहता है 112-113 किलो, और ये खेलते हैं 95+ कैटेगरी में. बहुत ही मस्कुलर फिजिक इनकी हो जाती है. प्लस ये बहुत ही फ्यू एथलीट्स हैं जिन जो इंडिया में हैं बॉडी बिल्डिंग से जो जुड़े हुए हैं, जिनको रेलवेज़ में जॉब मिली हुई है. ये वहाँ पे जॉब भी करते हैं. इनकी 2 बेटियाँ हैं, एक 4 साल की है और एक अभी 4 महीने की है. बहुत ही खुशहाल परिवार है, और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और धरती से जुड़े हुए हैं. आप देख सकते हो मेरे पीछे खेत हैं, ये सारे इन्हीं के खेत हैं. इन्होंने स्पेशली यहाँ मुझे बुलाया, और ये क्या खाना खाते हैं, मैं आपको खाना भी दिखाऊंगा कि जो इन्होंने हमारे लिए तैयार करा है. बिकॉज ये खुद का जो खाना खाते हैं, हम भी वही खाएंगे, बिकॉज मुझे देसी खाना बहुत पसंद है. सो जिनसे मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ, वो है इंडिया के टॉप नॉच बॉडी बिल्डर, और वो रहते हैं पानीपत में. मैं उनके घर पे हूँ यहाँ पे, दिल्ली से करीब 3-3.5 घंटे का रास्ता है. तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले, सो ही हैज़ अरेंज लंच फॉर अस, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ देसी खाना कैसा होता है. सो लेट्स सी. सो यहाँ पे है दाल, आप देख सकते हो दाल, इसमें आपको घी थोड़ा सा फ्लोट करता हुआ मिलेगा, विच इज़ गुड. और उसके साथ एक सब्जी, जो आलू और जैसे फ्रेश आलू और मटर मिलेंगे आपको. यहाँ पे आपको मिलेगी रायता, बूंदी का रायता, और लोड्स एंड लोड्स ऑफ सैलेड, ये सारे यहीं के खेत के. प्लस रोटी अभी आ रही है, वो मैं आपको रोटी भी दिखाऊंगा. सो ये खाना हम लंच में कर रहे हैं, और यही खाना हमारे आज के गेस्ट भी खाते हैं. सो जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं रामनिवास भाई. ये 2018 में इन्होंने सारे ओवरऑल टाइटल जीते हुए हैं. प्लस ही इज़ 112 किलो के ह्यूज मॉन्स्टर, और सबसे बड़ी बात, बहुत ग्राउंडेड है. ये खाना खा खा के ही इन्होंने अपनी बॉडी
नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, आप देख सकते हो. सो ही इज हेयर. सो भाई ये है रोटी. सो लेट्स हैव लुक एट. ये हमारे हैं रामनिवास भाई. सो भाई हाय तो करते सबको. अब आप रामनिवास भाई इज़ बीन अ ग्रेट होस्ट फॉर अस. और भाई हमारे लिए रोटी लेके आए हैं. देखो रोटी इसमें लगा हुआ है देसी घी, राइट. और उसके साथ हुआ है, देख सकते हो, फ्रेश रोटी. उसके साथ है राइस. सो गाइस अब कई लोग ये बोलेंगे कि अरे यार ये तो खाना कैसा है. तो गाइस मैं तो सब खाता हूँ. आई ईट, आई लव दिस फूड, रोटी सब्जी राइस. और एंड आई ईट दिस ओनली. और इसके साथ साथ प्रोटीन मेरा चलता रहता है, विच इज़ वे प्रोटीन. बट ये इतना प्योर खाना है, स्पेशली जब आप गाँव में हो, कहीं भी आओ, दिस इज़ अ प्योर फूड. कभी भी मिस मत करना एंड यू लव इट. इतना टेस्टी खाना है. सो भाई मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा. हम गुनो ईट दिस. और साथ साथ हम रामनिवास भाई से भी बातें करेंगे कि भाई वो क्या क्या खाते हैं. और गाइस गेस व्हाट, थोड़ा एक्स्ट्रा घी. अगर रोटी में सब्जी में घी कम पड़ गया, अगर इसमें थोड़ा घी आपको कम लगे, तो आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जस्ट इन केस. गाँव में आके ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया. लुक एट दिस, ये है हरी मिर्ची. और दिस एंड आई लव दिस फूड. या चीयर्स. सो मैं रामनिवास भाई के घर पे हूँ और मैं उनसे, उनके फादर से बात करना चाहता हूँ. सो अब लेट्स टॉक टू हिज फादर. सो अंकल नमस्ते. नमस्ते बेट. अंकल थैंक यू सो मच, आप हमसे बात कर रहे हो इस चैनल पे. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका बेटा जो है बहुत बड़ा इंडिया का बॉडी बिल्डर है, हाँ ना भाई. अंकल तो मुझे बात बताओ, कभी आपने उनका कंपटीशन देखा है कि वो आप स्टेज पे वो खड़े हुए हैं, आपने कभी विटनेस करा? ना नहीं नहीं, ऐसा कभी मैं टाइम नहीं मिला, ना मैं कभी उसके साथ गया हूँ. तो वो जो मेडल लेके आते थे, हाँ, आपको बहुत अच्छा लगता था? बहुत अच्छा लगता, बिल्कुल लगता. तो कभी आपको जैसे बचपन में रामनिवास भाई का आपको लगता था कि ये बॉडी बिल्डर बनेंगे? मतलब ना, ना, ना. इसका पहले जब बचपन में था ना, यू इसका बेचारे का पेट तो बड़ा था और शक्ति बहुत कम थी. ये तो बड़ी मेहनत से अपना शरीर निकाल लिया है. अच्छा. मतलब इतनी मेहनत करी है बहुत ज़्यादा. सो मेरे साथ अब रामनिवास भाई की मॉम है, माता जी हैं. सो नमस्ते आंटी जी. नमस्ते. आंटी जी, अंकल बता रहे थे कि उनकी सारी सपोर्ट रही है पैसों की. वो पैसों से लेके उनको, लड़के को सपोर्ट करते थे कि डाइट वाइट, लेकिन असली तो माँ का सपोर्ट होता है, खाना पिलाना. खाना पिलाना तो मैं बना कर बुझाया कर दी. मैं बताया कर दी बेटा ऐसे ऐसे खाना बनेगा, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे इतने चौल पड़ेंगे, इतनी दाल बनेगी, ऐसा ही खाया करता बेचारा. अच्छा. खाने पीने में तो फ़ोन करके नहीं पूछ लेना, मम्मी जी क्या बनाऊँ, जब बना कर दे दिया कर दी, गाल का भी दर्द दिया कर दी, भेज भी दिया कर दी. अच्छा. तो खाने पीने का शौक नहीं था भाई को? नहीं, इतना खाने पीने का शौक. तो क्या खाते क्या थे, मतलब इसने जब शुरू करी इन्होंने? तो ये दाल चावल अंडा खाया करता. दाल चावल अंडे खा के थे? हाँ, मतलब कंपटीशन दाल चावल अंडे से खेला करता. ज्यादा वही करते वही खा. अच्छा. प्रोटीन खुद बनाते थे? हाँ. अच्छा. तो दाल चावल अंडे आप वो बना के दे देते? हाँ, बना के दिया करते बेटा. कॉफी मैं बना कर दिया, रात ने चाहे 2 बजे उठता चाहे 1 बजे उठता, रात ने बना के दिया. अच्छा. रात को कॉफ़ी आप ही बनाते थे? हाँ, बनाते. क्या बात. तो माँ ही होती है, तो माँ का सपोर्ट हमेशा से, जिसे कहते हैं ना, अभी भी अगर आप अपनी मम को बोलेंगे रात को कॉफ़ी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, खाना तो बना के देंगी ही देंगी. ये होता है माँ का सपोर्ट. सो पानीपत का ये जो गांव है, इसको कहते हैं नांगल खेड़ी. नांगल खेड़ी भाई. सो नांगल खेड़ी की एक फेमस बात है कि यहाँ के लोग फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस और बहुत पैशनेट है. यहाँ पे हर दूसरा लड़का आपको जिम में जाता दिखेगा. तो इसीलिए हमने 3-4 लड़के यहाँ पे पकड़ लिए एंड उससे बात करते हैं कि भाई वो कितने सालों से जिम कर रहे हैं. और विश्वास ना हो तो मैंने उनकी एक टी शर्ट भी उतरवा ली है, जस्ट इन केस कि आपको लगे कि भाई ये क्या मजाक हो रहा है. लेकिन बट बहुत सरप्राइजिंग बात है कि कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ रेगुलर खाना और सिर्फ जिम को लेके पागलपन. तो आइए कहीं से बातें करते हैं. सो पहले भाई से बात करते हैं हमारे. भाई अपना नाम बताओ. तेजवीर. तेजवीर भाई, तो कब से जिम कर रहे हो? तकरीबन 15-20 साल हो गया. 15-20 साल से जिम कर रहे हो. तो मतलब इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फिटनेस का वो है, मतलब वो कीड़ा यहाँ पे फिटनेस का? जी बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा. क्या कीड़ा बताओ? मतलब एक दूसरे को देख के लगे ही रहते हैं, बोला नहीं मेरे को फिट रहना है, मेरे को फिट होना है. आप जो है पूरी बॉडी? नहीं, फुल बॉडी. तो रामनिवास भाई को कैसे आपका वो हुआ, मतलब वो तो सबसे आगे निकल गए कंपटीशन में? सबको कंपटीशन कोई नहीं खेलता है यहाँ जी? नहीं, कोई कोई है. वो अपना बाहर, उन्होंने बाहर जहाँ से बाहर चले गए थे गाँव से, तो उन्होंने बाहर जाके अपना तैयारी की. तो बस आप कंपटीशन नहीं खेलते, सिर्फ अपने को फिट रखने के लिए आप करते हो. आपका नाम क्या है? प्रदीप. आप भी फिट रखने के लिए? नहीं नहीं, आगे चल के देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन खेलेंगे ज़रूर कभी ना कभी. तो
लेकिन खेलने से आपको बाल काटने पड़ेंगे, काट लोगे? काट लेंगे क्यों नहीं, ये तो वैसे भी काटते हैं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ, अरे मजाक कर रहा हूँ प्रदीप, बट बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर है तुम्हारा तो सीरियसली। आप भाई प्रदीप भाई की खासियत है कि हंसते बहुत कम है ये, लेकिन जब हंसते हैं बहुत दिल से हंसते हैं। तो प्रदीप भाई कब से कर रहे हो? मेरे को 3.5 साल हो गए। 3.5 साल जी, तो क्या मतलब क्या रूटीन रहता है, क्या वर्कआउट करते हैं? रूटीन तो बस यही है कि भाई अभी तो डबल एक्सरसाइज चल रही है, खाना पीना अच्छे से ठीक है, बस यही। खाते क्या क्या, नॉर्मल खाना क्या खाते? नॉर्मल भी खा लेते हैं, चिकन वगैरह नॉन वेज सब चलता है अपना, सब। बहुत बढ़िया बॉडी बनाई है, मैं तो मज़ा आ गया देख के यार। सो इंटरव्यू करते करते रात हो गई है, अब मैं चाहता हूँ आप सभी देखो कि कितना सिंपल लाइफस्टाइल होता है एक बॉडी बिल्डर का, स्पेशली पानीपत में। तो अब रामनिवास भाई हमें अपना घर दिखाएंगे। ये गेस्ट रूम है हमारा, ये रूम है मम्मी पापा का, दिस इज स्टोर रूम, ये मेरा बेडरूम, एक रूम ये है, ये भैया का रूम है, ये पीछे खाली जगह है बैठने के लिए। सुबह हम आ गए हैं रामनिवास भाई के जिम में, इसका नाम है फिटनेस फर्स्ट। तो ये उनके गांव से थोड़ा सा दूर है, बट बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है। फॉर पानीपत आई थिंक यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे इक्विपमेंट्स क्या और भाई ट्रेनिंग कैसे करते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस अब वो टाइम आ गया जब मैं आपको अपने गेस्ट से मिलाऊं। सो लेट मी ब्रीफली टेल यू, थोड़ा सा बताता हूँ इनके बारे में कि ये है 2018 के बॉडी बिल्डिंग के नेशनल चैंपियन। 112 इनका ऑफ सीजन वेट है और ये ऑन सीजन खेलते हैं 95 kgs में। सारे मेडल्स इनके पास हैं, तो और ये ऑब्वियसली आपने देखा पानीपत में रहते हैं, पानीपत में प्रैक्टिस करते हैं, पानीपत में ट्रेनिंग करते हैं, कभी कभी दिल्ली में भी आते हैं, यहाँ पे उनका घर है, वहाँ पे भी लड़कों को सिखाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन प्रीटी मच इनके पास इंडिया में सारे मेडल्स हैं बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पर ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ये हमेशा फोकस करते हैं अपनी ट्रेनिंग पर, अपनी गेम पर। लेकिन
इस वीडियो के थ्रू मैं चाहता हूँ ये अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर करें, आप इनके पेरेंट्स से मिले, आप सबसे मिले कि क्या एक बॉडी बिल्डर की स्टोरी होती है, उनको कामयाब बनाने के लिए कितने लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब मैं सीधा मिलाता हूँ अपने गेस्ट से, हमारे रामनिवास भाई। सो वेलकम रामनिवास भाई, फाइनली। सो रामनिवास भाई का आप हाथ देख सकते हैं, इट्स फ्रिगिंग स्ट्रॉन्ग मैन भाई, दबाना मत। सो रामनिवास भाई वेलकम अगैन। तो भाई मैं सब फैमिली से मिला, घर देखा, बहुत सिंपल परिवार, बहुत अच्छा परिवार, इतना कंट्रीब्यूशन लोगों का आपको चैंपियन बनाने में। लेकिन जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, मैं आपके गांव के सारे लड़कों से मिला जो जिम में है, और वो सबको आपको देख के इंस्पायर्ड है। क्यों? कि बिकॉज उन सबको आपकी तरह बनना है, उन सबको बनना है कि यार हम भी नेशनल चैंपियन बने। तो आपने एक तरीके से अपने गाँव में एक लहर लगा दी, चढ़ा दिए कि भाई अगर ये मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो आप क्या फीलिंग है आपकी इस चीज़ को लेके कि भाई मैं पहला ऐसा जो इंडिया नेशनल चैंपियन बनाऊँ और मेरे को देख के मैं अपने पूरे गांव की सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन चुका हूँ। तो आपके उन्हें कैसा फील होता है अब आपको जब आप देखते हो तो? नहीं, जैसे उनका मैं अभी जैसे जज्बा उन लड़कों का देखता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। सारे बच्चे मेरी अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं, सबको मैं हेल्प करता हूँ जितनी मेरे से बन सकती है, क्योंकि मैं भी यहीं से उठा हूँ जहाँ से वो बेचारे कर रहे हैं। कोई भी जैसे मान लो कई लड़कों का बैकग्राउंड नहीं होता है, मैं सपोर्ट भी करता हूँ जितना मेरे से हो पाता है। तो सारे लड़के काफ़ी इज्जत करते हैं, और जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर मैं किसी को भी कुछ भी बोल दूँ तो गांव में कोई भी लड़का ऐसा नहीं जो मुझे किसी चीज़ से मना करे या मेरे काम से मना करे। मेरे फ़ोन करते ही जितने मर्जी लड़के मैं बुला चूँ, हाँ सर, मेरे एक फ़ोन पे लड़के आ जाते हैं, वो मेरी इज्जत भी करते हैं। बहुत रिस्पेक्ट कमाई है भाई आपने, सबसे बड़ी बात। और मैं क्या देखा है कि हर एक सक्सेसफुल आदमी की, स्पेशली स्पोर्ट्समैन की कहानी बड़ी जैसे कहते ना एक अजीब तरीके से शुरू होती है। जैसे कहते ना कि उसे पता ही नहीं होता है कि उसने आगे क्या करना है, कि क्या मैं सही राह पे हूँ, क्या मैं कभी लाइफ में कुछ कर पाऊँगा। एक कमरे से, दो कमरे से शुरू करता है जो ट्रेनिंग कर रहा है, क्या पता है मैं सही कर रहा हूँ गलत करूँ, कई सवाल होते हैं हमारे अंदर, राइट। आपने भी जब ट्रेनिंग शुरू करी, आपके अंदर भी ये सवाल थे कि मैं कुछ कर पाऊँगा बॉडी बिल्डिंग में, नहीं कर पाऊँगा? एक्चुअली जब मैं 7th क्लास में था तब गाँव में जिम खुला था, तब हमें पता नहीं था जिम के बारे में कि कैसे एक्सरसाइज करते हैं कैसे नहीं करते हैं। करते करते एक दो साल करते रहे। वैसे तो मेनली मेरा फोकस कबड्डी पे था, लेकिन कबड्डी में हमारे को बताया गया था कि एक दो दिन स्टैंड ट्रेनिंग जैसे जिम वर्कआउट आप करो। तो फिर धीरे धीरे जैसे स्कोप आने लगा, तो लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे उस टाइम, तो जैसे 10th की छुट्टियाँ पड़ी थी, 1.5 महीने की छुट्टियाँ जो होती हैं पेपर देने के बाद, मैंने फैक्ट्री में काम किया क्लिपिंग का, और उस टाइम मुझे मिले थे 2600 रुपीज़। मतलब ये ज़रूरत थी या आपको शौक? वो नहीं, शौक था मुझे, ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। घर से अच्छा था, लेकिन घर वाले उस टाइम मतलब ये प्रोटीन वगैरह खाने पे इतना वो नहीं करते थे, थोड़ा डाट वो कमाने के लिए। हाँ, तो मैंने उसके लिए वो किया था। फिर दोबारा सा फिर मेरा कबड्डी में, क्योंकि कबड्डी मेरा जुनून था जब उस टाइम, तो फिर 2006 में मुझे अंकुर भैया मिले, अंकुर शर्मा। कबड्डी क्यों छोड़ी भाई आपने? कबड्डी बस थोड़ा, अब क्या बताऊँ, उस टाइम दोनों चीज़ें माइंड में थी। एक तो ये था जैसे गांव में भी लड़के उस टाइम बहुत तगड़े तगड़े होते थे, बस माइंड में एक चीज़ यार 18 इंच का बाइसेप हो, कॉलेज जाना है फर्स्ट ईयर में, तो ये थिंकिंग थी। तो जिम लाइनें कैसे थी, फिर बॉडी का तो आपको होता ही है, मान ले बॉडी एक नशा है, आज थोड़ा वो थोड़ा मिल गया तो कल थोड़ा और ज़्यादा मन करेगा, फिर थोड़ा और करेगा, तो बॉडी एक नशा है। तो ये कभी किसी की मतलब मन नहीं भरता बॉडी बनने से, किसी का भी, ठीक है, उसको कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए चाहिए। तो बस ये अंकुर भैया मिल गए, तो उन्होंने, मैंने उनको देखा फर्स्ट टाइम, वो 2006 में मिस्टर इंडिया बने थे दार्जिलिंग में, तो मैंने उनको देखा, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ, तो तब से मैंने बॉडी बिल्डिंग का मन लगा। मुझे भी वैसा ही बनना है। तो भाई, तो अंकुर भैया का भी मैंने इंटरव्यू कर रखा है, तो ज़रूर देखिएगा, वो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो भाई अब मैं देखता हूँ आपके पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, दिल्ली में घर है आपका, सब है, और सब कुछ बॉडी बिल्डिंग ने दिया आपको। आप रेलवेज में नौकरी भी करते हो, एक प्रॉबली मैं कहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये मकाम हासिल हुआ है, आप उनमें से एक हो। तो ऑब्वियसली आपने एक मिसाल कायम कर दी है सारे अपने गांव में, तो कर दिया और सारे लड़कों के लिए भी, कि आप पहले ऐसे मैं देखता हूँ कि इतने ऐसे बॉडी बिल्डर हो जो ज़्यादा कंपटीशन नहीं खेलते, एक या दो कंपटीशन खेलते हो आप साल में? एक ही कंपटीशन मैक्सिमम, अगर महीने के अंदर अगर होता है तो दो कर लेता हूँ, नहीं मैं एक कंपटीशन ही साल में करता हूँ। आप साल में एक या दो कंपटीशन खेलते हो, और अब क्या है कि आजकल तो बिल्कुल ही उल्टा चल रहा है कि लड़कों को पैसों कमाने के लिए, कि ऑब्वियसली उतना पैसा लगाते हैं अपनी बॉडी में, हर रोज़ जैसे कहते हैं ना हर 15 दिन बाद आजकल कॉम्पिटिशन हो रहा है, इंडिया के हर कोने में कॉम्पिटिशन हो रहा है।
और लड़के आपको पता है कुछ भी डाल देते हैं अपनी बॉडी में कि भाई खेलना है नहीं खेलना, तब जब आपने शुरू किया था और अब जब आप इस मकाम पे आ गए हो, बॉडी बिल्डिंग बदली है या वैसी ही है जैसी आपने सोचा था कि वैसी ही है? नहीं, बॉडी बिल्डिंग काफ़ी बदली है। जो जैसे आप अभी बता रहे हो कि भाई लड़के बाहर कंपटीशन टू कंपटीशन करते जा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, वो अगर एक लड़के ने बॉडी पे 5 लाख रुपए लगाए, ठीक है, वो कंपटीशन कर कर के क्या उसको पूरे करेगा? पहली बात वो नहीं होगा। पहला तो अगर वो 5 लाख लगा के 10 लाख कमाने की सोच रहा है, खुदा ना खासा भगवान ना करे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, 20 लाख लग के पिंड छूटे, कोई बीमारी ऐसी हो जाए, ऐसे पैसे का करना क्या है यार? जब शरीर हम कर किस ले रहे हैं, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ना। तो अगर अच्छी लाइफ आप सीरियस होके उसको अपने रिस्क ले रहे हो अपनी लाइफ का, तो ऐसी लाइफ को तो मैं कोई लाइफ नहीं मानता। तो आप अगर गेम करो, मैं मना नहीं करता, गेम करो, अच्छा है, जुनून है तो आप करो गेम, लेकिन गेम को एक इतना पागलपन ना बनाओ कि भाई आप आगे पीछे देखो ना यार, तुम्हारे साथ तुम अगर तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे पीछे बैकग्राउंड है, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपने किसके लिए कर रहे हो? तुम अगर कल को तुम ही ना होगे, तुम गेम ही ना होगा, तो वो कहाँ जाएंगे? उनकी क्या गलती है? आपकी फैमिली क्या गलती है? आप अपने जुनून के लिए उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो। मैं बात बिल्कुल सही बोली कि मैं आजकल यंग लड़के भी देखता हूँ 18-20 साल के, एक जुनून है जैसे आपने भी कहा, मैं भी कि सर बॉडी बन जाए, बॉडी बन जाए, ठीक है बॉडी बनना अच्छी है, लेकिन बॉडी बनाने के लिए जो वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से इस बॉडी बिल्डिंग को एक गलत नाम दे रही, समझो। और इसकी वजह से मैं देखता हूँ ज़्यादा लोग जो है ना, चाहे वो मीडिया हो जाए, कई लोग वो आगे नहीं आ पाते, उन्हें लगता है अरे यार इसमें तो मेडिसिन का यूज़ है, इसमें तो ये यूज़ है। तो आपका क्या मानना है कि जब से आपने शुरू करी और अब में मेडिसिन सप्लीमेंट नेचुरल डाइट, आपका क्या तैयारी में रहता है? सर भाई मैंने 2006 में अंकुर भैया के पास से स्टार्ट की थी, 2010 तक मैंने बिल्कुल नेचुरल गेम करी है। कोई अगर देखो वीडियो में, सब कोई वीडियो देखेगा तो ये बोलेगा अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, भाई मैं जो बोलता हूँ मैं वही बोलता हूँ, मैंने जो यूज़ किया है मैं सबको बताता हूँ मैंने क्या यूज़ किया। रही बात दूसरी, मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, अगर आप लोगों को मेडिसिन वगैरह कुछ यूज़ करनी है, अच्छी गाइडेंस में रहो, पहले आप नेचुरल करो, ठीक है। आपने साले मान लो एक कंपटीशन करना है, आप 9 महीने तो नेचुरल कर लो, सप्लीमेंट से कर लो, नॉनवेज खा के कर लो, वर्कआउट करो, तभी उस मेडिसिन का रिजल्ट आएगा जब आप लास्ट के 3 महीने लोगे। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, आप अच्छा लंबा गेम कर ही नहीं सकते। मैं ये चैलेंज करता हूँ, जो लड़का साल में बार बार कंपटीशन करता है, एकदम उठ के आता है, आप मेरे को बता दो 2 साल के बाद किसी को वो लड़का दिखाओ तो। आपको मेडिसिन उठाएगी मैं मानता हूँ, साल 2 साल 3 साल, उसके बाद पता भी नहीं लगेगा कि वो बंदा गया कहाँ कहाँ नहीं। तो अगर लंबा चलना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो अपना नेचुरल भी करो। आप अपना बॉडी का रिस्पॉन्स तो देखो, वो कितना दे रही है, आप अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स देख नहीं रहे, माल ठोक के जा रहे हो, जो आपका रिस्पॉन्स आना होगा वो भी नहीं आएगा, लेकिन आप उस पर डिपेंड हो जाओगे तो आप वहीं तक सीमित रह जाओ, आपके माइंड में वही चीज़ हो जाएगी कि यही करेगी बस। तो एक चीज़ पे डिपेंड ना हो, नेचुरल करो। हाँ अगर मेडिसिन यूज करनी, कंपटीशन टाइम आपका आता है तो लो, ये नहीं कि सारा साल ही मेडिसिन पे। अगर आपको कंपटीशन खेलना है तो राइट। और दूसरी बात, पहली बात तो आपका मुझे खाना बहुत पसंद है भाई, ज़बरदस्त देसी राइट। अब मैं तो खाता हूँ भाई वो सब राइट। तो जब आप मतलब 12 महीने तो जैसे आपने कहा 9 महीने नेचुरल ये सब करते हो आप खाना ना, तो यही खाना पीना रहता है आपका जो आपने कहा? तरुण भाई 12 महीने में से 9 महीने में दबा के घी खाता हूँ। आपने कभी भी मेरे को अगर मान ले हम 6-7 साल से जो अपन 3-4 साल से तो हम जानते हैं, आपने बीच में भी मेरे फ़ोटो देखे होंगे ना, आप अब भी देख लेना, अभी मेरे कंपटीशन के 4 महीने बाकी हैं, आप कहीं भी शरीर पे मेरे कोई वेंस नहीं दिखेगी, हैवी दिखूंगा, कभी भी कोई वेंस नहीं दिखेगी, कोई मस्कुलर टाइप नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं दबा के खाता हूँ, घी खाता हूँ, मीठा जो फंस जाए, चिकन जैसा मर्जी फंस जाए वैसा फंस जाए, हाँ घर का जो मर्जी जैसा मर्जी मिल जाए मैं खाता हूँ। हाँ लेकिन जो 3 महीने रहते हैं मेरे उसमें मैं पूरा कंट्रोल करता हूँ, अपना कार्डियो करता हूँ। लोग जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में 1 महीने में लड़के तैयारी करके आ जाते हैं, 1.5 महीने में आ जाते हैं, 2 महीने में मैक्सिमम तैयारी हो जाती है, लेकिन मेरी नहीं होती,
मुझे 3-3.5 महीने पहले लगना पड़ता है क्योंकि मैंने खाया ज़्यादा हैवी होता है। तो ये हेल्प करता है आपको रामनिवास भाई, ये सब खाना है जो नॉर्मल खाना है कि आपका साइज़ बढ़ता रहे? तो इसमें मतलब क्योंकि मैं क्या देखता हूँ दिल्ली में, शहरों में काफ़ी ज़्यादातर लड़के 12 महीने उस पर रहते हैं, डाइट पर रहते हैं, बॉयल खाना है, ये खाना है, वो खाना है, और मैं आपको देखता हूँ बिल्कुल उल्टा, सब खा रहे हो आप देसी घी दूध ये वो। तो ये आपको हेल्प करती है चीज़, या आपको लगता है कि आपकी मेहनत ज़्यादा लग रही है इसमें? मेहनत, मेरा मानना ये है कि आप अगर वर्कआउट कर रहे हो हफ्ते में, आप 2 दिन अच्छे से कार्डियो करो, 35-40 मिनट रनिंग करो, तो आपको घी भी कुछ नहीं कर सकता। आप करते हो? हाँ जी, मेरा हफ्ते में 2 दिन कार्डियो रहता है, ठीक है। और कार्डियो में भी ऐसा होता है मेरा, ये नहीं कि ट्रेडमिल पे चले गए, हम कभी ग्राउंड में भाग गए, कहीं कहीं सड़क पे बात करते करते भाग गए, तो ऐसा हमारा कार्डियो होता है। तो अगर आप कार्डियो करते हो तो घी वगैरह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देता, रहे आपकी बोन जेनेटिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपकी पावर होगी बॉडी में तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपका साइज बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, ये कहते हैं कि फैट चढ़ जाता है, ये हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। घी के बजाय मक्खन यूज कर सकते हो, उसमें तो 40% ही है, लेकिन आप अगर कार्डियो करते हो तो घी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आपने देखा दूध भी आपका चला, आप ऐसे नॉर्मल डाइट बता भाई। तरुण भाई देखो, सबका अलग अलग है, बिल्कुल सबकी बॉडी अलग है, लेकिन मैं ये अपनी बता रहा हूँ, कहीं बंदा सोचे कि भाई रामनिवास ने ये बात बोल ली है तो हम भी घी खाना शुरू कर दे, सबकी बॉडी अलग है, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं ऐसे करता हूँ। नहीं भाई देखो, इसका बताने का मतलब ही ऑब्वियसली आपका मानना है, राइट। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि लड़के 12-12 महीने ट्रेनिंग पे रह रहे हैं, वो उससे क्या होता है, वो खाने को एंजॉय करना भूल गए हैं भाई, कि ना लाइफ जीना भूल गए कि यार उबला हुआ खाना है, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। आप जो नेशनल चैम्पियन है वो नॉर्मल खाना खा रहा है, वो ज़िंदगी जी रहा है, उनकी फैमिली है, उनकी लाइफ है, उनके बच्चे हैं, एक नॉर्मल लाइफ एक बॉडी बिल्डर जी रहा है। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि जो लोगों की धारणा है आप उसको तोड़ रहे हो। तो मेरा सिर्फ आपसे जानने का ये मतलब है, जो लड़के 12 महीने करते हैं और आप सिर्फ 9 महीने उल्टा करते हो, तो इससे आपको हेल्प मिलती है कि बिकॉज आपका साइज़ गेन हो जाता है और आपको अच्छा साइज आता है, फिर आप 3 महीने में काट देते हो, या आपको दुगनी मेहनत लगती है कि यार शायद मैं ना खाता तो नॉर्मल रहता तो मेरे को शायद और हेल्प मिल जाती? नहीं, मुझे इससे तरुण भाई मुझे हेल्प मिलती है। हेल्प क्या मिलती है, अगर मैं पूरा साल बॉयल्ड खाता जैसे लड़के खाते, उसमें एक तो इंजरी का खतरा रहता है, इंजरी आती है, क्योंकि वो मैंने जब भी बोला था आपको देसी भाषा में ग्रीस ख़त्म होना, क्योंकि ये किनी मैं गेम कर रहा हूँ तो ही मैं खा रहा हूँ, मैं बचपन से ही खा रहा हूँ ऐसा, ठीक है। और इससे मुझे हेल्प ये मिलती है कि मैं जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग होता हूँ, मेरे माइंड में साइकोलॉजी आप लगा सकते हो कि मुझे तो लगता है किसी से पावर आएगी। और रही बात मेरा वेट बढ़ने की, 112-113 किलो, मैं कभी भी लाइफ में ऑक्सीजन नहीं लगाता कि जैसे भाई मेडिसन लेके आप ऑक्सीजन लगा रहे हो फिर कटिंग पे आ गए हो, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मेरा जो खाने से जो बढ़ गया वो बढ़ गया मेरा, सीधा मैं प्रैक्टिस करता हूँ मैं 12-12 महीने, ठीक है, कार्डियो भी चलता है, लेकिन जो लास्ट के 3 महीने होते हैं उसी में मैं कंट्रोल करता हूँ, उसी में मैं मेडिसन अगर जो मुझे कुछ यूज करना होता है तो यूज करता हूँ, नहीं मैं पूरा साल बचपन से ही मैं ऐसी डाइट पर रहता हूँ। वाह, तो देखा, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि एज अ बॉडी बिल्डर, एज एन एथलीट, अगर आप फिटनेस एंथुजियास्ट भी हो, आपको रहता है कि बॉइल्ड फूड खाऊंगा तो बॉडी बन जाएगी, हाँ कुछ हद तक आपका बॉडी फैट कम होगा, लेकिन मेरा सवाल एक ही होता है कि आप कितना बॉइल्ड फूड खा लोगे, कितना टाइम तक खा लोगे, इवेंचुअली तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो लाइफ इन्जॉय करो और वो खाओ जो नॉर्मल है, और अगर आपकी अच्छी एक्सरसाइज है ना तो सब कुछ आप जला दोगे। मैं नहीं कह रहा, मैं तो फॉलो करता ही करता हूँ, ये इंडिया का नेशनल चैम्पियन कह रहे हैं जो बॉडी बिल्डिंग की, उनका एक्सपीरियंस है जो 9 महीने नॉर्मल खाना खाते हैं, नेचुरल खाना खाते हैं, और आपके सामने जो वो खाते हैं मैंने देखा और मुझे तो खाना बहुत टेस्टी लगा भाई। तो नॉर्मली भाई कितना दूध रहता है आपका दिन का, कितना क्या रहता है आपका दिन का? मेरा 1.5 से 2 लीटर तो दूध रहता है, इतना मेरा लस्सी रहती है 1.5 से 2 लीटर, तो 2 लीटर लस्सी 2 लीटर दूध, हाँ ठीक है। तो मक्खन वगैरह मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो सुबह शाम खाने में यूज़ करता हूँ, जैसे दोपहर को खाना खाना या सुबह कभी मम्मी पराठे वगैरह बना रही है तो उस टाइम मैंने यूज़ कर लिया। डाइट मेरी रहती है जैसे अंडे चिकन जो मैं खा रहा हूँ वो तो रहती है, उससे एक्स्ट्रा अगर मान लें कुछ घर पे बन रहा है तो मैं अपना घी वगैरह सब यूज़ करता हूँ। घर पे कोई मिठाई आ गई वो नहीं मैं छोड़ता कभी भी, घर पे कोई मिठा बना दिया, खोआ जैसे गांव में होता है, खीर बना ली, वो मैं कभी भी मिस नहीं करता। हाँ 3 महीने छोड़ता हूँ, लेकिन 9 महीने तो मैं अपना इन्जॉय करता हूँ पूरा भाई। और नज़र आता है बिकॉज़ आप कितने 15-16 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, इतना लंबा चल रहे हो, मैं दुआ करूँगा आप चलते रहो, बिकॉज़ ये जो आपकी डाइट है यही आपको चला रही है, राइट। और मैं देख रहा हूँ अंकल भी
माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं, सब कुछ हैं, आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं, जो लड़के आपको देख रहे हैं जो बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाना चाहते हैं, आपकी जॉब है, सब कुछ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं चाहता हूँ और अच्छा करो आप, तो आप उनको क्या राय दोगे जो 18 साल का लड़का आपको देख रहा है और बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाना चाहता है अपना? मैं उसको यही राय दूंगा, अगर आपका, मैं सबसे पहले तो, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो आप बॉडी बिल्डिंग लाइन में जाओ, ठीक है। किसी को ये होता कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, यार आप वहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक। दूसरा, आप जब स्टार्ट कर रहे हो आप ऐसे ऐसे हाथों में जाओगे जो आपको पहले ही यूज़ करेंगे, निचोड़ेंगे, जैसे कोई ट्रेनर में कोच बन गया ये उसके, ठीक है। तो जब आपका फैमिली बैकग्राउंड ये ऐसा अच्छा नहीं है तो आप गेम में मत जाओ, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आपका जुनून है तो मैं आपको यही राय दूंगा, आप जितना हो उसके सप्लीमेंट, नॉनवेज और आपका वर्कआउट, जितना आप इसको अच्छा करोगे, मैं चैलेंज करता हूँ, आपको ये लगेगा कि मेरे बराबर वाला आगे निकल गया है या मेरे से बाद में लगा था वो कंपटीशन जीत गया है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप नेचुरल जितना करोगे ना, जितना आपकी बॉडी आपकी सपोर्ट करेगी, आप उतना ज़्यादा उनसे आगे जाओगे। तो कभी भी मतलब एकदम मेडिसिन पर डिपेंड मत हो, तो अपना नेचुरल जितना कर सकते हो नेचुरल को, मैंने 6 साल नेचुरल किया है, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 तक। 14 में मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल किया था, तब हमने मेडिसिन यूज़ करी थी, अंकुर भैया ने कभी मेडिसिन यूज़ नहीं कराई, ठीक है। कंपटीशन टाइम पे तो सबको, तब मैं कह दूँ कि भाई मैं बिल्कुल ही नेचुरल था, टैबलेट फॉर्म जो होती हैं जो भैया देते थे उस टाइम तक, जब तक मैंने यूनिवर्सिटी खेल ली तो हमारा ये चलता था। उसके बाद अंकुर भैया ऑस्ट्रेलिया वगैरह चले गए थे, आजकल मैं डॉक्टर सोम के अंडर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और आप जीएनसी के भी वो? हाँ, जीएनसी ने भी मुझे इस साल स्पॉन्सर किया है, मैं उनको भी थैंक्स करना चाहूँगा जीएनसी का। तो गाइस, हमेशा आप जीएनसी जिसे कहते हैं इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, और उनके प्रोडक्ट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और आप उनके प्रोडक्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, उनके सप्लीमेंट वगैरह जो उनके कई चीज़ें जैसे जिंसिंग वगैरह है, हर्नी गोट वगैरह है, ट्रिपलेक्स वगैरह है, कई चीज़ें हैं उनकी बहुत अच्छी, मल्टीविटामिन टाइप की। उनके तो एम्बेसडर भी जॉइन कर रहे हैं ना, तो जो मिले आप उनसे? नहीं मिले? नहीं, मैं अभी नहीं मिला। एक्चुअली मेरा अभी एक दो टूर हुआ, जयपुर हुआ, सूरत हुआ है, तो अभी शायद वो मुंबई आए हुए थे, तो मेरा जाना नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उनसे तो मैं नहीं मिल पाया। आप ज़रूर मिलेंगे उनसे, लेकिन अब जाते जाते, अब मैं इतनी दूर आया हूँ आपके पास, मैं आपके लिए कुछ लाया था, तो मुझे पता है कि बॉडी बिल्डर के लिए एक अच्छा गिफ्ट क्या होता है, एक बे प्रोटीन। मुझे पता है आप जीन सी क्यों, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ये भी ट्राई करिएगा, ये है हमारा बिग मसल का क्रूड वे, सो आपके लिए एक बैग है और एक शेकर है भाई, और ये एक ऐसा प्रोटीन है, मैं दिखाता हूँ आपको। हे भाई, इस जैसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो 24 ग्राम इसमें प्रोटीन मिलेगा आपको, और 0 ग्राम शुगर है। मुझे पता है आप शुगर को लेके इतना वो नहीं हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे इस प्रोटीन की अच्छी लगती है भाई, ये है कि आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, पाउच खोलो ऊपर से, लगाओ, डालो और ख़त्म, बिकॉज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो ये आपको टेस्ट में बहुत हेल्प करेगा, और आप ट्राई करना, आप मुझे बताना आपको कैसा लगा, बिकॉज क्या है, और ये सिर्फ 899 रुपीज़ का है, और ये लॉन्च इसीलिए किया है, और मैं इसलिए इसको प्रमोट क्या कह रहा हूँ कि मैं इनका सपोर्ट इसलिए करता हूँ, बिकॉज आपको तो पता है सप्लीमेंट कितने महंगे आते हैं भाई, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, बड़े बड़े ब्रांड्स इंटरनेशनल बहुत महंगे होते हैं, प्रोडक्ट अच्छा होता है लेकिन महंगे भी होते हैं, तो बिग मसल ने कोशिश कर रहा है कि प्रोटीन जो है सस्ते कर दें। अब आप देख लो 899 में क्या आता है, तो उसके आपके साथ आपको 24 ग्राम एक स्कूप में प्रोटीन मिल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा लो 40-30-40 रुपए में आपको एक सर्विस ऑफ प्रोटीन मिल रही है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपके लिए लाया, मुझे बताना आपको कैसा लगा, टेस्ट कैसा लगा आपको, क्योंकि आपसे बढ़िया तो उसको कोई बताएगा नहीं, बट मैं आपको ये कहूँगा, आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, आपने टाइम निकाला और आपने अपना जिसे कहते ना कीमती समय निकाल के हमें अपना घर दिखाया, खाना खिलाया, रियली वांट टू थैंकफुल टू यू, रियली वांट टू थैंकफुल, मैं बहुत दिल से आपको बधाई देता हूँ। मेरी स्टार्टिंग से ही मैंने सोच रखा था, मैं तरुण भाई आएंगे तो उनको घर का खाना ही खिलाना है, बाहर का तो रोज ही खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा भाई, और मैं आपको ये दुआ करूँगा कि आप दिन दोगुनी रात दोगुनी तरक्की करो, और ऐसे ही गाँव का नाम रोशन करते रहो, लोग आपसे जुड़ते रहे, आप इंस्पायर करते रहो, मुझे लोगों हर एक को इंस्पायर करते रहो और आगे बढ़ते रहो गाइस। सो ये है रामनिवास जी की स्टोरी, और मैं ऐसे इंडिया के हर कोने में जा रहा हूँ, और ऐसे छुपे टैलेंट जो इंडिया का नाम से कहते ना रोशन करें, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो कोई भी स्पोर्ट हो, मैं उनसे मिलता हूँ जाके, और वो स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग भी इंस्पायर हो सको और आप लोग भी उनसे कुछ सीख सको, बिकॉज मुझे सीखने
मेरे को बहुत कुछ मिलता है। सो थैंक यू सो मच रामनिवास भाई बात करने के लिए, और अब मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में।